मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये साल और क्या कुछ उन्हें करना चाहिए, क्या करने से बचना चाहिए? जी बिल्कुल गायत्री, मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष शुभाशुभ से परिपूर्ण रहने वाला है। कुछ पीड़ा भी हो सकती है और कुछ ऋण की अर्थात कर्ज की लोन लेने की स्थिति भी आ सकती है। आर्थिक हालत आपकी बहुत अच्छी नहीं चलेगी। वहीं व्यापारी, कृषक एवं राजनीतिक लोगों को बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। जो बिजनेसमैन है, जो कृषक है, जो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनको नौकरी में तकलीफ रह सकती है। शुरुआती कुछ महीनों में कुछ समस्या, कुछ बाधा आपकी नौकरी से जुड़ी हुई रह सकती है। ऐसे में आपको अपने खर्चों को नियंत्रित करना पड़ेगा। अपने कॉस्ट कटिंग करिए, खर्चों में कमी लाइए। मानसिक सुख में कहीं ना कहीं से कमी आने के संकेत दिखते हैं। सगे संबंधियों से उदासीनता प्राप्त होगी, उनके तरफ से भी आपको बहुत अच्छा संबंधों में बहुत ज्यादा अच्छा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। जिस तरीके से आप संबंध निभाते हैं, आप चाहते हैं आपके दोस्त मित्र रिश्तेदार भी आपके साथ वैसे ही बर्ताव करें, लेकिन वैसा रिटर्न आपको मिलेगा नहीं। आप सबके लिए सहायता के लिए खड़े होते हैं, लेकिन आपके समय पे शायद कुछ कमी लोग आ पाए। परिजनों से और कुटुंब में मतभेद के योग भी बनते हैं। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए बहुत अच्छे प्रेडिक्शंस नहीं आ रहे हैं। तो इस क्या ऐसे किए उपाय किए जाएं जिससे मिथुन राशि वाले जातक लोगों का यह जो वर्ष 2014 वो शुभ हो जाए, ये जानना बहुत आवश्यक है गायत्री। ऐसे में करना ये चाहिए कि मिथुन राशि वाले जातक लोगों को किसी भी पीपल के वृक्ष में थोड़ा सा जल अर्पित करना चाहिए और वहीं पे सरसों के तेल का एक पंचमुखी दीपक जलाना चाहिए। यह क्रम आप कम से कम 21 दिन करें, 21 शनिवार करें, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। इसी उपाय को आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके साथ समस्या पहले से बहुत ज्यादा चल रही है, यानी पिछले वर्ष से ही कोई बहुत बड़ी समस्या कंटिन्यू हो रही है और आप चाहते हैं वह इस साल में, इस साल के जल्दी से जल्दी अंत हो जाए, तो जो भी पहला शनिवार मिलता है उससे आप ये उपाय शुरू करें और 21 दिन लगातार कर लें, आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए अब मिथुन राशि के बारे में जान लिया और जान लेते हैं कि कर्क राशि के बारे में ज्योतिषीय दृष्टिकोण क्या कहता है साल 2014 के लिए। वैभव नाथ जी, जी बिल्कुल, कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए शनि की स्थिति ठीक नहीं चल रही है। ये थोड़ा स्वास्थ्य एवं पारिवारिक व्यापारिक तकलीफ भी दे सकता है। वर्ष का आरंभ जो है वह उथल पुथल को लेकर के आने वाला है। व्यापारिक चिंता में वृद्धि होगी। ये भी संभव है कि सरकारी पक्ष से कोई बहुत बड़ी बाधा, कोई जांच का सामना आपको करना पड़ जाए अपने कार्य क्षेत्र में। तो इन सारी चीजों से आपको डरना और घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपके साथ रहने वाली हैं। आपकी राशि का ऐसा संयोग बनता है और आपको इन चीजों को बिना डरे बिना घबराए आपको इन चीजों का सामना करना चाहिए, क्योंकि आप अपने पक्ष से बिल्कुल भी साफ सुथरे हैं। और आपको बहुत छोटा सा उपाय बताता हूं जो कर्क राशि वाले जातक लोग इस उपाय को करके अपने वर्ष को शुभ बना सकते हैं। आपको करना यह है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर रुद्रपाठ करते हुए दूध और जल मिलाकर के, या फिर दूध या अभिषेक से जो भी आपको उपलब्ध हो जाए, इनसे भगवान शिव का अभिषेक करें और 2 कमलगट्टे की माला माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कराने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि 2 पीली कौड़ियां भी आप अपने साथ अपने जेब में रख करके चलते हैं, इसको लकी चार्म की तरह यूज करते हैं, आप अपने साथ हमेशा रखते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। बिल्कुल, और इन दोनों ही राशियों के बारे में टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं।